हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल HSC टेक्निकल पे और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट राम अहमद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फायर क्लास एंड टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज़ फायर एंड फायर ट्राइंगल के बारे में, फायर ट्राइंगल क्या होता है। उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं फायर क्लास एंड टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल छूट गया, तो मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर बेसिस वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद सेफ्टी व्हाइल यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, फायर क्लासिफिकेशन एंड टाइप एक्सटिंग्विशर। और सबसे लास्ट जो है टॉपिक वो है पास मेथड, मतलब पास मेथड क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। जैसा कि पहला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ कि ये मतलब ये यहाँ पे है दो तरह का होता है वर्किंग प्रिंसिपल, जिसका होता है दो होता है। पहला होता है कार्टेज टाइप एक्सटिंग्विशर, दूसरा होता है स्टोर टाइप एक्सटिंग्विशर। कार्टेज टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि इसमें CO2 का कार्टेज लगा हुआ होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CO2 कार्टेज, जो कि एक्सटिंग्विशर को प्रेशराइज करता है ताकि उसके अंदर जो भी मीडिया वाटर है वो बाहर आ सके। कार्टेज टाइप में एक पंच मशीन होता है, उसमें जिसको हम पंच करते हैं, पंच करते ही कार्टेज लीक होता है और उसमें CO2 निकलता है, फिर हमारे बाहर की तरफ मीडिया बाहर आ जाता है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है स्टोर टाइप एक्सटिंग्विशर, इसमें कार्टेज ऑलरेडी लगा हुआ होता है, इसमें कार्टेज जो है वो लगाना नहीं, तो ऑलरेडी CO2 जो होता है वो पूरा फिलअप होता है और इसमें वाटर CO2 जो भी हो वो मिक्स होता है। तो इसमें केवल केवल हमें स्विच करते हैं, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्विच है, इसे हम सिर्फ स्विच करते हैं और जैसे ही हम इसे स्विच करते हैं, दबाते ही, तो यहाँ से हमारा मीडिया जो है वो बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो ये दो प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है सेफ्टी वाइल यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के दौरान आपको क्या क्या सेफ्टी बरतना है वो आपको जानना है वहाँ पे। जैसा कि पहला है क्या कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो नॉट मोर देन 4 सेकेंड लेफ्ट बिटवीन दी ऑपरेशन, मतलब कि यानी एक्सटिंग्विशर को जब भी आप ऑपरेट करते हैं, सपोज डेट कार्टेज टाइप एक्सटिंग्विशर है उसे पंच कर दिया, तो वो 4 सेकेंड के अंदर अपना काम शुरू अगर नहीं किया, तो ऑपरेशन शुरू नहीं किया तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए, तुरंत दूर हो जाना चाहिए, मे बी वो ब्लास्ट कर जाए तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा खतरा वहाँ पर हो सकता है। और दूसरा है ऑलवेज एम द एक्सटिंग्विशर टू द बेस ऑफ फायर, कभी भी हम एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं फायर पे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसके बेस पे ही यूज़ करना चाहिए, यानी बेस पे ही प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो हमारा आग इफ़ेक्टिव वे में बुझेगा। और यहाँ पे तीसरा जो है वो है नेवर ट्राई टू एक्सटिंग्विशर फायर बाय टू नियर, कभी भी हमें आग के करीब जाकर आग को नहीं बुझाना चाहिए, हमें उसे दूर मेंटेन करना पड़ता है, कम से कम 1.5 मीटर से 2 मीटर तक तभी आग को बुझाना चाहिए। और चौथा है नेवर यूज़ पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर ऑन लार्ज फायर, मतलब कि कोई भी बड़ी आग है तो हमें उसमें पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे आग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके लिए हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, वही ये काम कर सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो है चेक द क्लीयरेंस ऑफ होज, मतलब कि होज जो है उसे आपको चेक करना है वो चेक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ ज़्यादा दिन का है, उसमें DCP पाउडर अगर भरा हुआ है और वो उसके वजह से रिलीज़ नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, तो वो चीज़ को भी आपको चेक करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा सेफ्टी वाइल यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर के दौरान कौन सा सेफ्टी बरतना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फायर क्लास के बारे में। फायर क्लास में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर है ए क्लास फायर,
एक क्लास फायर में आपको आता है क्या, जनरल फायर। जनरल फायर में आपको आता है वुड, पेपर, क्लॉथ, मतलब कि जो जल के राख छोड़ दे उसे हम कहते हैं जनरल फायर। मतलब ये आता है आपको एक क्लास फायर में। दूसरा है आपके यहाँ पे बी क्लास। बी क्लास मतलब कि लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में आपको आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, क्रोसिन, पेंटिंग एट्सेट्रा। तो ये सब आपको आता है बी क्लास में। उसके बाद है सी क्लास। सी क्लास फायर में आपको आएगा गैस और इलेक्ट्रिकल फायर। जैसे आप देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल फायर और सी में गैस फायर है। उसके बाद है डी क्लास। डी क्लास में आपको आता है मेटल फायर। मेटल फायर मतलब मैग्नीशियम, लिथियम एट्सेट्रा। और यहाँ पे क्या है कि एक और क्लास है जो छूटा हुआ है, वो है आपको एफ़, मतलब कि किचन फायर। तो किचन फायर आपको वो मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। एफ आता है वो उसमें होता है किचन फायर, मतलब कुकिंग ऑयल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें कौन से क्लास में यूज़ करना है। अब एक क्लास में आपको यूज़ करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लास का। इसमें आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, फोम स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ABC पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वेट केमिकल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बी में आपको आता है फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब गैस। इसमें आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पेट्रोल गैस है, तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। तो इसमें आप फोम यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं, ABC यूज़ कर सकते हैं, और वेट केमिकल इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। सी में आपको आता है इलेक्ट्रिकल। सी में आपको यहाँ पे गैस का है। गैस में आप वाटर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप सेफ़ नहीं हैं, फोम को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है CO2 को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं तो ABC टाइप को यूज़ कर सकते हैं गैस में। उसके बाद है एफ़, मतलब कि किचन फायर। इसमें यहाँ पर डी फायर करने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, फोम यूज़ नहीं कर सकते हैं, CO2 यूज़ नहीं कर सकते हैं, ABC यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर वेट केमिकल ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आपको लाइव इलेक्ट्रिकल। लाइव इलेक्ट्रिकल में आप सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको CO2 है तो CO2 को यूज़ करना है। उसके बाद आप अगर CO2 नहीं है तो आप ABC भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास में किस कैसे यूज़ करना है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक है पास मेथड, मतलब हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। तो PASS पास। तो पास का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से होता है पुल द पिन, मतलब पिन जो है पिन को पुल करना, खींचना है। और ए से एम एट द बेस ऑफ फायर, मतलब कि आग के तरफ आपको एम करना है, उसका बेस जो है वो आग के तरफ होना चाहिए। एस से होता है स्क्यूज द ऑपरेटिंग हैंडल, हैंडल को जो है वो ऑपरेट करना है। और इससे होता है स्वाइप फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब इस तरह झाड़ू की तरह आपको साइड टू साइड उसकी नोजल पकड़ के करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पास मेथड। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।